उस सातों द्वारों का पहला द्वार है मूलाधार चक्र। मूलाधार मानव जीवन के मूल का आधार, मानव जीवन वह मानव चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है तो मानव, स्त्री को भी मानव कहते हैं पुरुष को भी मानव कहते हैं, और वह एक आधारभूत है। अगर वह नहीं है तो फिर मनुष्य नहीं है। पशुओं की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, गाय भैंस की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती, ऊंट बकरी की कुंडलिनी जागृत नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसका मूलाधार का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं है। केवल यह स्वरूप पुरुष मानव में है जिसको हमने स्त्री की संज्ञा दी है, जिसको हमने पुरुष की संज्ञा दी है, और उस मूलाधार का मूल तत्व है वीर्य, बीज मानव का सत्व। और ये मानव का सत्व दो प्रकार से विस्फोटित होता है। उसका प्रवाह तो नीचे की ओर सहज रूप से गतिशील है, उसके लिए कुछ क्रिया नहीं करनी पड़ती, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसके लिए गुरु की जरूरत नहीं है। और जब वह अधगामी होता है, वह मूल का आधार जो जिसको शिव कहा गया है, जिसको बीज कहा गया है, जिसको जीवन का प्राण कहा गया है, वह जब अधःपतन की ओर अग्रसर होता है तो अपने ही सदृश एक और संतान की उत्पत्ति दे सकता है, एक और संतान पैदा कर लेता है। इसलिए इसमें कोई विशेषता नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि संतान पैदा करना कोई एक विशेष क्रिया नहीं है, यह एक मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे सुख के उस क्षण को तुमने सुख मान बैठे हो। मगर ये रास्ता ऊपर की ओर बढ़ने की क्रिया है, उसको ऊर्ध्वगामी बनाने की क्रिया है। तुम अधगामी हो रहे हो, अधगामी तो सामान्य प्रवृत्ति है, ऊपर से नीचे की ओर तो नदी बहती ही है, मगर यदि नदी को नीचे से ऊपर की ओर उठाए तो हिमालय के ऊपर पहुंच जाएगी, और जो नदी हिमालय के ऊपर उठती है वह देवगंगा बन जाती है। जो गंगोत्री तक पहुंच जाती है वह जीवन की पूर्णता बन जाती है। जो अपने आप को नीचे से उठा करके श्रेष्ठतम स्थिति पर पहुंच जाती है वह जीवन का एक ध्येय बन जाती है। इसीलिए इस कुंडलिनी रूपी गंगा को ऊपर उठाने की जरूरत है, और इस ऊपर उठाने की क्रिया का मूल आधार जिसको हमने मूलाधार कहा है, और उस मूलाधार को जागृत करने की क्रिया भस्त्रिका है। जब हम जोरों से श्वास और प्रश्वास लेते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन का आधार श्वास लेना है, और इसलिए मूलाधार श्वास है, प्राणवायु है। अगर जिस दिन श्वास लेना बंद कर देंगे मूलाधार समाप्त हो जाएगा। जब मूलाधार समाप्त हो जाएगा तो मानव जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि मूलाधार को जागृत करने के लिए उस श्वास प्रश्वास को समझना जरूरी है, और इस मूलाधार की स्थिति लिंग के नीचे और गुदा के बीच के संधि स्थल पर है जिसको हमने मूलाधार कहा है। संधि स्थल यों क्योंकि उसके संधि स्थल के एक तरफ पुरुष है एक तरफ स्त्री है, उन दोनों का संगम वह संधि स्थल है। उस संधि स्थल पर एक नवीन संतान की उत्पत्ति संभव है, इसलिए उसको मूलाधार कहा गया है। और वह मूलाधार नीचे की ओर अग्रसर है, और जो नीचे की ओर अग्रसर होने की क्रिया एक संतान को पैदा करने की क्रिया है, हजारों लाखों करोड़ों प्राणियों में से एक और प्राणी को उत्पन्न करने की क्रिया है। मगर यदि चाहे तो वह उस शक्ति को ऊपर की ओर भी उठा सकता है, क्योंकि वीर तो अपने आप में शिवत्व कहा गया है, कल्याणमय कहा गया है, वह अपने आप में शिव का स्वरूप कहा गया है, वह संहार करता है तो प्राण करता भी है। इसलिए उसको अधःपतन की ओर जाते हुए रोककर ऊर्ध्वमुखी बनाने की क्रिया का उस शक्ति को ऊपर की ओर उठाने की क्रिया है, और वह ऊपर की ओर उठाने की क्रिया का आधार भस्त्रिका है। और भस्त्रिका का तात्पर्य जोरों से श्वास को अंदर लेने की क्रिया और बाहर लेने की क्रिया है, क्योंकि हम अंदर जो पहुंचते हैं, हम अंदर जाते हैं, वह केवल श्वास के माध्यम से ही जा सकते हैं, प्राणवायु के माध्यम से ही जा सकते हैं, चेतना के माध्यम से ही जा सकते हैं। इसलिए जो कुछ हम सांस ले रहे हैं वो उथला सांस है, उस श्वास में गति नहीं है। हम सही ढंग से सांस लेने की क्रिया ही भूल गए, क्योंकि हम जो कुछ सांस लेते हैं अंदर, अगर हम नाभि तल से लगा करके, और मैं सही शब्दों में कहूं तो मूलाधार से लगा करके और आज्ञा चक्र तक, ये श्वास की एक क्रिया है। श्वास जब हम नाक से लेते हैं तो वह श्वास ऊपर सिर के ऊपर के भाग तक पहुंचता है,
और वह सांस नीचे मूलाधार तक भी पहुंचता है, वह एक प्रवाह है। इसका मतलब हुआ कि मूलाधार से सिर के पूर्णता, सिर के शीर्ष स्थान पर पहुंचने का पूरा लंबा रास्ता कुंडलिनी का रास्ता है और हमें पहुंचना नीचे की ओर, और नीचे की ओर पहुंचना मूलाधार को स्पर्श करने की क्रिया है। जब मूलाधार को स्पर्श करेंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, उसके ऊपर दबाव डालेंगे, तो अपने आप चेतना युक्त बनेगा। यदि कोई सांप लेटा हुआ है, यदि सांप मूर्छित है, तो हम उसे छेड़ेंगे और छेड़ने के लिए उंगलियों का माध्यम लेंगे, लकड़ी का माध्यम लेंगे, जो ही लकड़ी उसको स्पर्श करेंगे तो वह थोड़ा जागृत होगा। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, दसवीं बार अगर उसको टच करेंगे तो फन फैला करके खड़ा होगा, और फन फैला कर खड़ा होने का मतलब है ऊंचा की ओर उठना, आगे की ओर उठना, पूरा फन फैला करके एकदम से खड़ा हो जाना। और यह खड़े होने की क्रिया पूरी पालनकर्ता की क्रिया है, भगवान विष्णु का एक सृजन है। भगवान शिव के गले में भी उस सर्प को कहा गया है, भगवान विष्णु की रक्षा ही सर्प करता है, और ब्रह्मा को पूर्ण रूप से ढकने की क्रिया भी सर्प है, और यह सर्प भी मनुष्य जाति का आधार है जिसको हमने कुंडलिनी कहा है। इसलिए उस वर्षिका को जोरों से श्वास को बाहर फेंकना, और मैंने तुम्हें कहा कि तुम्हें सांस लेने की क्रिया तुम भूल गए हो, तुम जो कुछ सांस लेते हो वह उस मूलाधार तक पहुंचता नहीं है, इसलिए नहीं पहुंचता है कि मूलाधार से लगा करके तुम्हारे फेफड़ों तक दुर्गंध भरी हुई है, वह सांस वह वायु भरी हुई है जो अंदर जम गई है, उस दुर्गंध को बाहर निकलने की तुम्हें क्रिया नहीं है, और जब तक वह बाहर निकलेगी नहीं तब तक प्राण वायु अंदर जाएगी नहीं, जब तक प्राण वायु अंदर बाहर की हवा अंदर जा नहीं सकती तब तक अंदर के मूलाधार को वह स्पर्श कर नहीं सकती, और जब तक मूलाधार को स्पर्श नहीं कर सकती तब तक मूलाधार चैतन्य नहीं बन सकता। इसलिए जोरों से अंदर की हवा बाहर निकालने की क्रिया है और बाहर की हवा को अंदर लेने की क्रिया है, इसको शास्त्रों में भस्त्रिका कहा गया है, इसको शास्त्रों में प्राणायाम कहा गया है, और प्राणायाम और भस्त्रिका के माध्यम से ही हम अंदर की ओर, नीचे की ओर, मूलाधार की ओर पहुंच सकते हैं, और जब पहुंच सकते हैं तब हम उस होती हुई कुंडलिनी को, उस होते हुए मूलाधार को, उस होते हुए स्वर को छेड़ सकते हैं। उस श्वास के माध्यम से आप अपने आप को सोते हुए देखिए, आप सोएंगे तो केवल आपका गला ऊपर से नीचे की ओर हिलेगा, इसके अलावा पूरे शरीर में कहीं किसी प्रकार की थिरकन नहीं होती। मगर यदि तुम आगे बढ़कर के देखो, एक बच्चे को देखो, तो बच्चे की नाभि स्पंदन करती है बराबर, वो सांस लेता है तो पूरी नाभि हिलती है, इसका मतलब है कि वो मुंह से सांस ले रहा है, नाभि तक पहुंच रहा है। इस प्रकार के सांस लेने की क्रिया को भस्त्रिका कहा जाता है। जो श्वास बच्चा लेता है ठीक इसी प्रकार से श्वास लेने की क्रिया है। जब बच्चे को हम सोता हुआ देखते हैं तो एहसास होता है कि उसके फेफड़े ही नहीं, उसका गला ही नहीं, उसकी नाभि स्पंदन करती है, और यदि तुम सूक्ष्म देखो तो उसके नीचे लिंग प्रदेश और लिंग प्रदेश के नीचे का मूलाधार भी बराबर स्पंदन करता है। इसका मतलब है वो सांस ठेठ प्रारंभ से लगा करके फिर अंतिम तल तक लेता है, और यदि उसको शीर्ष सिर के भाग को देखो तो सिर के मध्य भाग की फड़फड़ा कर रहता है। मूलाधार से लगा करके सहसा तक की क्रिया का, सांस लेने की क्रिया बालक से सीखनी चाहिए। मूलाधार के बारे में समझाया, और जब यह श्वास प्रश्वास होता है तो वह शक्ति नीचे की ओर नहीं बहकर के ऊपर की ओर उठने लगती है।